हेलो तेंदुल मैट्रिमोनियल, बोलिए सर। ठीक है ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर है, इससे पूछो ना इसकी शादी हो गई क्या। ए, तुम जरा चुप रहो। ये ले लो। हेलो तेंदुल सर, एनुअल इनकम नहीं लिखा है आपने? मैंने 3 लाख लिखा है बेटी। ओके, रजिस्टर कर दिया। 5 लाख लिखो बेटी। ओके लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए मैम? मेरे बेटे की उम्र 26 साल है, लड़की की उम्र 22 साल या उससे कम भी होगी तो भी चलेगा। ओके हाँ हाँ सही है। मैंने जो कहा वो पूछेंगे कि नहीं? अभी चुप रहो, जाते समय पूछूंगा। आपको किस तरह की लड़की चाहिए? लड़की एकदम गोरी चिट्टी होनी चाहिए, हाइट 5'4" या उससे थोड़ा ज्यादा होगी तो भी चलेगा। मेरे बेटे को संभालने वाली लड़की अच्छी होनी चाहिए, मॉडल लड़की नहीं चाहिए, संस्कारी लड़की। देखो ना बेटी। ठीक है मैम। कंप्यूटर में सब कुछ रहता है क्या? आप जरा चुप रहेंगे? आप अभी पूछेंगे भी या मैं पूछूं? तुम जरा चुप रहो ना। लड़की की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? हाँ कैसी बात कर रही हो, इसकी जरूरत नहीं है, हमें नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए। ओके मैम, रजिस्टर कर दिया है, आपको आईडी और पासवर्ड रिसेप्शन से मिल जाएगा, आप पे करके ले लीजिए। ठीक है बेटी। थैंक्स बेटी। अरे आप कुछ पूछने वाले थे। सुनिए, तुम्हारी शादी हो गई है बेटी? हाँ हो गई, लव मैरिज। अरे रे रे, शूज कोई बैग में रखता है क्या? गुड मॉर्निंग श्री सर। गुड मॉर्निंग शांति दाई, थोड़ा लेट हो गया आज। हाँ ओके। बस अभी भी आया हूँ, जस्ट पीसी ऑन। मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्री। हाँ बहुत हो गया, टाइम हो गया निकल। हाँ सर अभी काम खत्म हो जाएगा, आप निकलिए। क्या यार खत्म हो जाएगा, विंडो की तरफ देख के बोल रहा है। वो भी विंडो, ये भी विंडो। विंडो विंडो सुपर प्यार। इवने, इवने,
अरे तुझसे बोल रहा हूँ, अभी कॉलेज जा रहा है क्या? ओके सतीश, इस कबर्ड को यहाँ पर किसने रखा तुझे पता है? ए, बॉस को बोला मैंने, सुबह से कबर्ड कबर्ड बोल के मेरी जान खा रहा है। नॉट यू सर, नॉट यू, एक छोटा कबर्ड। एक्सक्यूज मी सर, तूने ये कैसा काम किया है? क्या हुआ श्री? कुछ नहीं सर, बहुत गर्मी हो रही थी। आप किसी से कबर्ड हटवाने के लिए कहेंगे? अरे श्री, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम है क्या? काम तो करते नहीं और पसीना आ रहा है। जाओ श्री। सॉरी सॉरी। सर जो कबर्ड हटाना था वो कहाँ है? यहाँ है कबर्ड। हाँ हाँ वही है। आओ जल्दी आ जाओ, उठाओ इसे। हाँ हाँ, बाहर निकालो। हाँ इधर आ बेटा। रुक जाओ ना, स्टेटस अपडेट कर रहा हूं मैं। क्या मामा? ये लेकर जाओ टेलर से, हेमिंग करवा कर लिया। हाँ। ये क्या सिया है आपने? आधा इंच लूज करने के लिए कहा था तो एक इंच लूज कर दिया है। यू शेप रखने को बोला था तो पी शेप करके दिया है। आपके भरोसे पर कपड़े सिलवाने आते हैं यहाँ? मैं बिल्कुल 100 रुपए देने वाली नहीं हूँ। ये लो 50 रुपए, वो भी ज्यादा है। अरे 100 रुपए मांगे तो 50 रुपए देकर जा रहे हो? आपको यू शेप चाहिए था ना, अगली बार ए शेप कर दूंगा। ये देखिए जो जा रही है ना, इसके लिए मैंने एक डिजाइन ट्राई किया था, बहुत सेक्सी लगेगा इस पर। लेकिन ये सब उसको कहां समझ में आएगा। ठीक है दीदी ने कितने ब्लाउज दिए जरा दिखा मुझे। यू शेप चाहिए? मैं क्या इधर सेंसर बोर्ड लेके बैठा हूं क्या? क्या भाई, तू जो भी स्टेटस डाला है वो मैंने लाइक किया है ना, देखा तूने? अच्छा तू इस तरह का स्टेटस कितने दिन तक डालता रहेगा? अभी टेंडर करके सॉफ्टवेयर आया है, उसमें देख, उसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं। जो पसंद आए उसे बात कर लो और जो ना पसंद आए उसे उधर ही छोड़ दो। हाँ मैं खुद भी डाउनलोड करने का सोच रहा हूँ, तू क्यों ना ट्राई कर रहा है? हुँ? क्या अंकल, आप भी ना? यानी कि तू अभी भी सामने वाली बिल्डिंग की लड़की पर लाइन मार रहा है ना? जाकर उससे बात कर लेना। मेरी ऑफिस में होती तो बात कर लेता। ठीक है, सामने वाली बिल्डिंग में है ना? हाँ। बस यही प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, हाय भी नहीं बोल सकता क्या उसे? ये देख, खिड़की के पास खड़े होकर हाउ आर यू, हाय ऐसे हाथ दिखाकर बोलना। हाय भाई तो मैं बोल दूंगा अंकल, कल ही बोल देता हूँ। ये हुई ना बात। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं कल फुटबॉल मैच देख रहा था, मेसी 20 मिनट्स में एक गोल कर दिया, क्या खेल रहा था मेसी, मिडफील्ड में अकेला ही था, कमाल कर रहा था। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। Yeah, I'll do it. सतीश? हाँ? वो कौन है? न्यू ज्वाइनिंग।
आई नो मैन, यू गो वर्क. कैसे हाय बोला यार. हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा काम करना चाहिए तभी मेरी तरह अवार्ड पा सकते हो. सतीश, वो पोछा लगा रही है तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? पूरा गंदा कर दिया. ध्यान कहाँ रहता है तेरा? सर वो सूख गया है सर. आप चुप रहिए शांति ताई. सतीश जा जाकर अपना काम कर. जाना इर्रेस्पॉन्सिबल. So what? उन्हें जो करना है करने दो. तुम भी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है. पता नहीं कैसे कर ले. मैं टीम लीडर हूँ इसलिए यहाँ मुझसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता. सतीश जरा इधर आना. क्या दोस्त? मेरे लिए जूस लेकर आ. कुछ समझा नहीं दोस्त. अरे यार तुझे हर चीज दो बार बोलनी पड़ती है क्या? जाके जूस लेकर आ. कितनी बार बोलूं तुझे, जाना. What's happening? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? हे, तुम शाम को चल रही हो ना? Yeah, of course. सतीश, इधर आना. मुझे दे. ये क्या किया तूने? सब कुछ गलत है. जा फिर से कर क्या? जा ना. आपने जो फाइल मंगवाई थी वो जब मैं लेके जा रहा था, आपका किया हुआ काम रॉन्ग रॉन्ग बोलकर रीवर्क करने के लिए आपको बोला और फाइल उठा के फेंक दी. क्या है सर, आप खुद ही पूछ लीजिए उससे. थैंक यू सर. कम टू माय कैबिन. या या फाइन ग्रेट. नो 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 नो, हे स्टॉप इट, ये ठीक नहीं जा रहा है. सिंधु कमिया. सिंधु मैं डांस कर रहा हूँ, तू शूट कर. म्यूजिक. हे सिंधु, हाउ वाज योर डे? गुड पॉप्स. नो ऑफिस, नए लोग. गुड. That's it. Pops, मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए. Hey, आज रात मैं बाहर जा रहा हूँ. कम्या, look at this. रुक जाओ दिल दीवाना. सतीश क्या रे? उस लड़की का नाम पूछकर बता सकता है क्या? कुछ ऐसे शुरू होता है इतना पता है मुझे. अरे डू प्लीज मुझे काम करने दो. तुम खुद काम नहीं करते और मुझे भी नहीं करने देते. तुम सब ऑफिस से क्यों आते हो? अरे क्या कर रहे यार? काम के अलावा सारे एक्टिविटीज करने वाला एक अकेला बंदा तू है. मेरी बैंड बजाएगा तू? दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा. हाँ
लगता है कोई नहीं है, देख लेता हूँ। सिंधुजा, वो मैं यहाँ पर बस ऐसी। तुम्हारा नाम क्या? श्री श्री कुमार। हेलो, ट्राई करके देखता हूँ। सिंधुजा पलनी सामी, क्या क्या हो सकता है यार। ठीक है, सिंधुजा जोसेफ। नहीं श्री, ये देखो होटल से भी पतला डोसा है। आपको सिर्फ यही बनाना आता है, लाइए। हेलो। हाय, मैं सिंधुजा बात कर रही हूँ। कौन है? क्या पता, रॉन्ग नंबर। ठीक है, मैं तंगराज अंकल के घर जाकर आता हूँ। अभी क्यों? पिताजी ने डोसा बनाया है ना, वो खा कर जा। ठीक है, खा कर जाता हूँ। श्री, ये देखो, ये उससे भी पतला डोसा है ना। अच्छा, बस हो गया पापा, मेरा पेट भर गया। ए, रुक जा ना, हार्ट शेप डोसा बना रहा हूँ। खिला खिला कर पेट फाड़ दिया मेरा। Number you are trying to reach is currently switched off. Hi, Sindhu. Hello. Hi. Sindhu. Hi, Sindhu. जा। हाय। कल रात तुमने मुझे कॉल किया था, सॉरी मैं थोड़ा बिजी था। एनीथिंग इम्पोर्टेंट सिंधु? जा। नथिंग मच, नया ऑफिस है ना, नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वीकेंड में क्लबिंग जाने की सोच रही हूँ। या बट इट्स ओके, सतीश आ रहा है, उसने बोल दिया। कौन सतीश? दैट गाय। गुदगुदी मत करो, नहीं तो मैं भी करूँगा। क्या करे, इधर ला। इसे अभी कभी मैसेज कर, क्योंकि लड़का पहले बात करे ये लड़कियों की साइकोलॉजी होती है। पहले तो ये कर, फिर देख उसका कैसे रिप्लाई आता है, उसके बाद मुझे जगाना। आज एक अच्छा काम हो गया। एक बात याद आई श्री, सुनना। दीदी बुला रही है लगता है, जाके मैं खाना लेकर आता हूँ। तूने खाना खाया क्या? मैंने खा लिया, आप खा लो। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं अब भी आता हूँ। आज मजा ही आ गया खाना खाकर। क्या हुआ श्री? मैसेज नहीं आया। ओफो, अभी तक नहीं आया क्या? ला इधर दे, अभी देख कैसे उसका मैसेज आता है। ये ले, हम फ्री है ये उसे बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। हम ऐसे ही हैं, ये बात अलग है। तू टाइप कर दे, कॉन्फिडेंट। श्री, एक्स्ट्रा कुछ मत डाल,
ऐसा ही भेज दे। हाँ सही काम कर, मेरी बात की क्या इज्जत है। उसने रिप्लाई कर दिया। देखा ना, एक काम कर, व्हाट्सएप को ना एक महीने के लिए म्यूट करके रख, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं। तू भी एक काम कर, तू ना थोड़ा एटीट्यूड दिखा। बात नहीं करना कि ऐसा पूछ रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करके बोलते उसे अपने हिसाब से कुछ भी बात कर। हाँ, बात करने में इंटरेस्ट है, तभी तो इतनी रात तक हम लोग जगे हुए हैं। पूरी रात ये ऐसे ही निकाल देगी क्या? ऐसे बैठे बैठे सो जाते हैं। देख अभी उसका मैसेज आएगा। सुपर, देखा उसका मैसेज आ गया ना। मैंने पहले ही तुझसे कहा था, लड़कियों की साइकोलॉजी ही ऐसी है, अभी तुम लोग बहुत सारी बातें करोगे। दिखा क्या मैसेज भेजा? कोई हार्ट का सिंबल भेजा है क्या उसने? के ये क्या भेजा है उसने? रख दे उसे, सो जा। हेलो पॉप्स, आप कार लेकर गए हैं क्या? हाँ। बता कर जाना चाहिए था ना। सॉरी बेटा। ओके। कभी कभी इस गाड़ी को धो लिया करो, इसकी हालत देखो, ऐसा लग रहा कचरे में पड़ी थी। हाय। हाय श्री, कहाँ हो? घर पे हो। मुझे पिकअप कर सकते हो क्या? ओके श्योर। ओके थैंक्स। ओके बैठ जाओ। गुड डे। हे सतीश। हाय। सॉरी सिंधु, मैं कल पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। हे कम ऑन, बहुत मजा आएगा। फन तो आएगा। मुंह तोड़ दूंगा, मना करो उसे। सॉरी सिंधु, फैमिली कमिटमेंट। ओके। ये मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिट। तुम आओगे क्या? हाँ? किधर? एक्टिंग मत करो, कल शाम को आ जाना। हाँ। को शांति मिली। इवने, ए, इवने, क्या हुआ भाई? तू जो कॉलेज में कोट पहनकर जाता है, वो मुझे मिल सकता है क्या? एक दिन में वापस लौटा दूंगा। अरे मुझे कॉलेज जाना है। एक रात की तो बात है यार, पक्का प्रॉमिस भाई, सुबह कॉलेज जाने से पहले तुझे लौटा दूंगा। हा? वो तुम्हें लूज होगा, वो बहुत बड़ा है। चलेगा, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। इवने, ए, इवने, प्लीज यार। अरे कहाँ जा रहा है यार? ए, सुनना, तू बोल तो ऊपर आकर ले लूं। इवने, ए, इवने। थैंक्स यार। जो घोड़ा गाड़ी चलाते है वैसा कोट पहन के आया था। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। छोटे, बहुत ही सिंपल मैटर है, देख अभी कैसे परफेक्ट करता हूँ। तू जा जा रहा है उस पार्टी में ना, एकदम छा जाएगा। कोट सिएगा, बड़ा महान टेलर है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे कोट खराब हो जाएगा। सुनो,
ऊपर का बटन खोलो। हाँ? स्लीव्स फोल्ड करो। शर्ट बाहर करो। चलो चलते हैं। ड्रिंक करना कोई गलत बात है क्या? नहीं, गलत बात नहीं है, तुम पियो। चीयर्स। हाँ। hey, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं बचपन से आरबक्का में रहता हूँ, स्कूलिंग एसएमडीवी में किया और वो कॉलेज में। ए, रुको रुको, मैं क्या तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ? तुम्हें ये गाना पसंद है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सा। What? तुम्हारा सनसाइन क्या है? लियो। मुझे लगा था मेरा लियो के साथ कभी सेट नहीं होगा। नहीं, इंग्लिश में लियो है और हिंदी में कुंभ राशि। तुम्हारी राशि क्या है? वो नहीं पता। डेट ऑफ बर्थ बताओ। पता नहीं। पता नहीं मतलब? पापा बताएंगे तो पता चलेगा, उन्हें अपना खुद का बर्थडे नहीं पता। मेरे जन्म के बारे में मेरी माँ को पता होगा, लेकिन जब मैं छोटी थी तब वो गुजर गई। सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो डांस करो। बच्चों की तरह नाटक मत करो, एक सिप में पी जाओ। नहीं, मैं नहीं पीता। तुम पीने वाले हो या नहीं? नहीं, तुम दूसरा कुछ भी बोल दो मैं कर दूंगा, पर ये नहीं। कुछ और बोलूंगी तो करोगे? जाओ उस लड़की को प्रपोज करके आओ। छोड़ो ना, ये सब क्यों करा रही हो मुझसे? ठीक है, जा रहा हूँ। Yes? I love you, ma'am. What? मम्मी। अब मेरी बारी, जो मैं बोलूंगा वो करो। क्या करना है? यही सेम, प्रपोज करो। ओके, किसको? अब मुझे। चलो जो मैंने बोला वो करो, नहीं तो एक सिप में पूरा। क्या पियकड़ लड़की है यार। तैयार हो जाओ, अब मेरी बारी है। देखो तुम ज्यादा गुस्से में लग रही हो, ये इधर ही खत्म करते ना। वो देख रहे हो ब्लैक शर्ट, उसे जाकर मार के आओ। पार्टी के बाद चलते हैं, मगर क्यों? मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, तो उसके चेहरे पर मारना। सुनो, ऐसे मारा मारी करना अच्छी बात नहीं है। क्यों, डरते हो? बचपन से सब लोग मुझे माइक टाइसन बोलते आ रहे हैं। यस, आई एम अ बॉक्सर, इससे अकेला ही धो दूंगा मैं। तो बताओ तुम खाने में। हेलो मिस्टर। सॉरी, मिस्टेक हो गई ब्रो। अब मैं यहाँ से चला। ये रो, भाग जाएगा। चलो भागो यहाँ से जल्दी। ब्रो ब्रो, मैंने इसे पकड़ लिया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पकड़ उसको, पकड़, 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 नवल की तरफ पकड़। तू वैसे हंस क्यों रही हो? अरे कहाँ गया? अरे अंधे कुत्ते, इधर भाग। हे पकड़, ये देख ले, हो गया। ये रो, ये उसे देखो, पकड़, पकड़, पकड़ उसको। ये उसको रोक, इसको रोको। अरे वो, ये भाग की तरह है। अरे बाप रे बाप। अरे चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत।
क्या बात है यार, तुमने तो सच में मार दिया। तुमने कहा इसलिए? ओह, मैं जो बोलूंगी वो सब करोगे क्या? नहीं बोलोगी तो भी करूंगा। वाह, क्या पंच था। मैं सच बोल रहा हूँ सिंधुजा। तुम सबसे आप क्या करी बात करते हो क्या? हाँ, हाँ। अब से मुझे सिंधु कहकर बुलाना। हाँ? ओके। बोलो ना। अब, हाँ बोलूंगा। अबे बोलो ना। सिंधु। एक और बार सिंधु। मैं तुमसे एक बात कहूं क्या? आई लाइक बेटा ये लड़का कौन है? Perhaps he is my colleague. बहुत अच्छा लड़का है। Very interesting character. आप इसे मिलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं फ्री हूँ तो आज ही घर बुला लो उसे। Sure, Pops. Yes, dear. हाँ सिंधु बोलो। मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, शाम को आ सकते हो? हाँ हाँ आता हूँ मैं। ओके आ जाना। बाय। ओके बाय। पापा ये लीजिए। हाँ आ जा रख दे। ठीक है मैं चलता हूँ। थोड़ा रुक जा। हाँ मैं खाना खा लेता हूँ तो डिब्बा ले जाना। ठीक है। बेटा तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक सवाल करूं? हाँ पूछिए पापा। तुम किसी से प्यार करते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं पापा। माँ के बारे में तुम्हें अच्छी तरह पता है, वो बहुत इमोशनल है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे परिवार में प्यार व्यार ठीक नहीं रहेगा। वो क्या है कि मेरे मन में चल रहा था तो इसलिए मैंने बोल दिया। सॉरी सिंधु, कल मैं आ नहीं सका। सिंधु तुम निकलो। नहीं कोई बात नहीं, मुझे और आधा घंटा लगेगा। हाँ मैं वेट करता हूँ, ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। एक मिनट स्टॉप। क्या
मेरा गला खराब है, एक हॉल्स लेकर आओगे क्या? हाँ ओके। तुम्हें और कुछ चाहिए होगा तो ले लेना। हाँ ये लो। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं कुछ नहीं, बैठ जाओ। हाँ आज पापा घर पर नहीं है, वो लेट आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए तो ला सकते हो। नहीं क्या लूंगा मैं इस दुकान से, तुम्हें ड्रॉप करके मैं सीधा अपने घर निकल जाऊंगा। चलो बैठो। पहले कभी इतना स्पेशल फील नहीं हुआ। आई लव यू। व्हाट? आई लव यू सिंधुजा। मजाक मत करो यार। हे सिंधु क्या हुआ? आई थॉट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स? सिंधु मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और ये सब तब से चल रहा है जब तुम सामने वाली ऑफिस में थी सिंधु। ओह नो। क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर ये सब क्या था? ये तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि अपने आप हो गया। तुमने मुझे पहले किस किया था ना, तुमने ही लिफ्ट को बंद किया था, तुमने सीड्यूस किया था, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तुमने क्यों किया ये सब? बिकॉज आई लव यू सिंधु। स्टॉप सेइंग दैट श्री। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ख्याल रखूंगा और मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा सिंधु। टाइटैनिक फिल्म में जैक रोज से जितना प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार करूंगा। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। श्री यहां देखो, पहले तो रोना बंद करो प्लीज। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। I really feel comfortable with you। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन प्यार नहीं करती श्री। तो तुमने पब में मुझसे ऐसा क्यों कहा था? मैं समझी नहीं, क्या कहा था मैंने? उस दिन जब हम दोनों बाथरूम में छिपे थे तब तुम आईला क्यों बोलने जा रही थी ना? बोलो सिंधु। I like your innocence, ये बोलने वाली थी। चलो अब थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। हम दोनों ने ही अपना कंट्रोल खो दिया और ये सब कर बैठे, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर अपनी फ्रेंडशिप नहीं खराब कर सकते। हम अभी भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बारिश रुकने के बाद चले जाना। क्या कहा तूने? छोटे वो कोई लड़की है क्या? तुझे बेवकूफ बनाया। बोलू वो इतनी बुरी लड़की है कि मुझे जिंदा ही नहीं रहनी चाहिए। वो कभी खुश नहीं रहेगी। और गाली दो अंकल। हाँ मैं दूंगा उसको गाली। वो एक अव्वल नंबर की आयाश लड़की है। तुझे सपने दिखाकर, बेवकूफ बनाकर, मेकअप करके, लिपस्टिक लगाकर तुझे फंसाने वाली चीप लड़की है वो, समझ गया ना तू? तुझे उम्मीद देकर तुझे बेवकूफ बनाया। और कुछ बोलू? बस बस हो गया अंकल,
मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। हे, ए, लेकिन वो अच्छी लड़की है अंकल। Got you. Hey, stupid. क्या बेटा? आज मुझसे हार गई? क्या हुआ? You look disturbed. आप जब गांव गए थे तब मैं श्री को घर लाई थी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी। But he said he loves me. What about you? ये सब इतना इजी लग रहा है? नहीं पापा, एक्चुअली hey. तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये देखो, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन ऐसे लड़के प्यार के लिए जान भी दे सकते हैं। उसका इंटेंशन जाने बगैर तुमने उससे दोस्ती की है, तुम्हारी गलती है। जाओ, जाकर माफी मांगो। चलो। सतीश, मेरा पीसी ऑफ कर देना। एक्चुअली मैं लेट्स बी फ्रेंड्स। माँ, रिपोर्ट्स आ गए हैं। आप यहीं बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ठीक है। हाय श्री। मेरी माँ है। हाय आंटी। हम दोनों साथ में काम करते हैं। पेशेंट सुधा के साथ कौन आया? हाँ? है? हाँ भी आया। जरा अंदर माँ, मैं आता हूँ। बैठो बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? सिंधु जी आंटी, क्या हुआ जो आप यहाँ आई हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा मुझे यहाँ फुल बॉडी चेकअप के लिए लाया है। ओके। तुम किस लिए आई हो? मैं एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ। ओह, ये कैसा ऑफिस है तुम्हारा? कुछ दिनों से श्री कितना परेशान है, ऑफिस वाले ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं क्या? शक्ल देखो ना, कितनी उतर गई है उसकी। लगता है सारा काम उसी से करवाते हैं वो लोग। उसको किसी को उल्टा जवाब देना तो आता नहीं है। तू उस पे जरा ध्यान देना बेटी। श्योर आंटी। शुक्रिया बेटी। मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटी। पॉप सब तक सोए नहीं? बस सोने ही जा रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, इस दुकान में चिकन खाकर कितने दिन हो गए थे ना। अंकल उसी का कॉल आ रहा है। अब खाना खाते समय उसने फोन क्यों किया? तू उसे साइड में रख। एक मिनट में अभी आता हूँ। अब रुक जा, ये बीच वाला तेरा भी स्मेल ले लेता हूँ। अब मेरी बात नहीं सुनी ना तूने? क्या बोली वो? पूछ रही थी हा? कल हम बाहर घूमने चले क्या? तूने नहीं बोल दिया ना? नहीं अंकल, मैं उसे मना नहीं कर पाया। क्या कहा तूने? वो पहली वाली गलती तू वापस करना चाहता है क्या? ये देख, कोई अगर सीधी लड़की होती ना
तो उस पर अपन आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे, लेकिन ऐसी लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते, चिकन की कसम खा के बोलता हूँ। अंकल उससे एक बार जाकर मिल लेता हूँ। ठीक है तू जा, लेकिन अपने स्टेटस को मेंटेन करना। हाँ। ज्यादा उसके ऊपर भरोसा मत करना। हाँ, हाँ, खा ले खा ले। अंकल मेरा पेट भर गया। पैसा नहीं है मेरे पास भाई, मैं प्लेट धो देता हूँ। क्या कर रही हो तुम? सिंधु नैया, मुझे बचपन से केकड़ों से बहुत डर लगता है। नहीं 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 Let's go for a walk. Okay. Shri. हाँ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं. बोलो ना, क्या कहना है? तुम कुछ कहने वाली थी ना, बोलो। I'm sorry. वो किस लिए? हर बात के लिए। बहुत दिनों से तुमसे ये कहना चाहती थी, इसलिए आज मैंने तुम्हें बुलाया। और कुछ? और कुछ नहीं। As a friend, पवन का छोका तुझे छूकर मेरे पास आया, मैंने अपने प्यार का इंतजार किया आंखें बंद करके। पता नहीं ये मुझे क्या हुआ है कि ठंड में गर्म हवा के झोंके आ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैं पहले ऐसा कभी नहीं था और आज मैं होगा ना, सब समझता हूं मैं। ऐसे लोग ना सब कुछ करेंगे, सब कुछ का मतलब समझते हो ना, लेकिन बोलेंगे प्यार नहीं है। किस कैजुअल है, तुम्हारी तरह मेरी परवरिश नहीं हुई है। मैंने तुमसे प्यार ही क्यों किया। चलो जाने दो, ये सब छोड़ो।
किस करो मुझे तुम, करो कैजुअली किस करो ना, इतनी बार करती हो एक और बार करो, करो ना। सही कहा तुमने, मैंने कैजुअली किया तो तुमने भी कौन सा मुझसे प्यार किया है हा? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्शन था। अभी जो तुमने कहा ना तुम्हारी परवरिश मेरी तरह नहीं हुई है, अगर हुई होती ना तो इस तरह तुम सबके सामने ये पर्सनल मैटर नहीं निकालते। कैसा प्यार है तुम्हारा हा? किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम ये सोचते हो ना कि मैं वो चीप कैरेक्टर की हूँ तो सोचो, तो फिर इस चीप कैरेक्टर से तुमने प्यार कैसे कर लिया हा? ये कह रहा है कि मैंने इसके साथ सब कुछ कर लिया, वो सब कुछ पता है क्या? Just sex? बस वो शब्द नहीं कहा लेकिन सब कुछ बोल दिया, ये इसका मैच्योरिटी लेवल है। शी कल मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई, और आज मैंने ये सोच ही लिया था कि तुमसे आई लव यू कह दूंगी, लेकिन अब आई हेट यू। प्यार इश्क मोहब्बत, प्यार इश्क मोहब्बत, प्यार इश्क मोहब्बत। मैंने गलत कर दिया यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरे साथ ही तो था मैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ऐसे सबके सामने उसे जलील नहीं करना चाहिए था। किधर किया तूने? सतीश यार मेरा सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। तो अब क्या करेगा? कल ऑफिस में मैं उसे ऑफिस में उसको hey! क्या 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 टेल मी कल उससे मिलके एटलीस्ट सॉरी बोल दूंगा मैं। तूने जो काम किया है तुझे लगता है कि आज के बाद वो ऑफिस आएगी? Never, never. I've got so much to say. Good morning, guys. Conflicts from June to May. Even if I try to leave, you'll find the words to make me stay. This relationship's not the same. Tell me, boy, am I just a game? You never hey, hold Sadish. Me in your Good morning. Arms and say you like my name. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं अपना कैबिन चेंज कर सकती हूँ क्या? हाँ कुछ भी चेंज करो। थैंक यू। ए, क्या हुआ? वो मेरी शक्ल भी नहीं देख रही है यार। दे मैं क्या करूँ? रिलैक्स, मैं जाकर बात करता हूं उससे। मॉर्निंग, हाय सिंधु। इट हैपेंस। आप उससे बात नहीं कर रही हैं, उसे बुरा लग रहा है। ये सारी बातें ज्यादा सीरियसली मत लो। टेक इट इजी। यू नो व्हाट, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन। चल निकल यहां से कालू। आप कैसा लग रहा है सतीश? कुछ अजीब लग रहा है। प्लीज गो। सतीश क्या हुआ? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन गो। लेट्स रिपीट इट। वन टू थ्री फोर फाइव। गुड, वेरी नाइस। यस गुड गुड। यस दैट्स नाइस। यस कहाँ है वो? शी इज कमिंग सर।
हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो, सब तैयार, चलो प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। यस सर। मेरी गलती है और मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, बट गिव मी अ चांस सिंधु। सर ये सब क्या है? ए श्री, स्लाइड चेंज करो। सर मैंने जो गलती की है प्लीज मुझे उसके लिए माफी मांगने दीजिए। उस दिन बिना कुछ सोचे समझे मैंने सबके सामने सिंधु को बहुत जलील किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो गलती मैंने सबके सामने की है उसकी माफी भी मुझे सबके सामने ही मांगनी चाहिए। सिंधु प्लीज, आई एम सॉरी। बहुत हो गया सर, मैं जा रहा हूं। बैठो बैठो बैठो। श्री क्या है ये? जो काम है वो करो। सॉरी सर। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे पास बहुत काम है। As expected. Sorry guys. बात तो कर लो। सिंधु सिंधु प्लीज प्लीज। सिंधु मेरी बात सुनो प्लीज। निकलो यहाँ से। सिंधु 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 प्लीज प्लीज प्लीज। बस एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं उस दिन के लिए तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने बहुत शराब पी ली थी इसलिए मैं होश में नहीं था। तुम तो जानती हो मैं शराब नहीं पीता हूँ, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरे दिल के इमोशंस एकदम से बाहर आ गए। तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। एटलीस्ट इतना कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है सिंधु, प्लीज। क्या शिवा, आजकल तू इस एरिया में दिखाई नहीं देता। आ जा मिलने एक दिन, बैठते हैं, पीने, मजे करते हैं। इस हफ्ते आ रहा है ना, रविवार को आ जा, ठीक है? माँ मैं तेरा इंतजार करूंगा, आ जा आ जा। क्या छोटे, शिवा प्रसाद था मेरा फ्रेंड, अपने एरिया का फ्रेंड है, फर्स्ट स्ट्रीट में रहता था, क्रिकेट दोस्त है। उसके बारे में बताता हूँ सुन। एक दिन टूर्नामेंट था, क्या बताऊँ, उसके हर एक बॉल पे ना इतने चौके लग रहे थे, उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस भी खोया और अगले हफ्ते ही हैट्रिक ले लिया। कैसे पता है तुझे? नया अप्रोच, स्विंग किया, यानी स्विंग बॉलिंग किया उस दिन। मेरे ख्याल से स्विंग बॉल करने वाला पहला इंसान मेरा दोस्त ही होगा शिव प्रसाद। उसके बाद ही ये आजकल के लड़के 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सिंधु सिंधु। यस पॉप्स। हाँ बेटा, इस मूवमेंट को जरा शूट करना। रेडी, 1 1 2 म्यूजिक। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? बेटा कोई ऐसे बात करता है क्या? ही इज माय स्टूडेंट। पॉप्स आपको इसके बारे में पता है ना? ये श्री है ना, मुझे पता है, पर्सनल बातें सब बाहर रखो। नाउ प्लीज, व्हाट बेबी, do you have a problem? Not at all. Yeah.
टाइटैनिक फिल्म के जैक की तरह प्यार तो नहीं कर पाए लेकिन उसकी तरह मरोगे जरूर। आइलैंड तो बोलकर जाओ। चल निकल। बेबी। क्या बेबी? अब हमें ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जानी चाहिए। वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बोल रही हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? लिविन? तुमने शादी कहा? तुमने लिविन कहा? नो वे, ऐसा मत करो श्री। हे, मैंने क्या किया? तुमने तो लिविन की बात छेड़ी है। लिविन को थोड़ा इमेजिन करके देखो। सिर्फ हम दोनों होंगे, एक ही घर में रहेंगे, हर सुबह दोनों साथ साथ उठेंगे। हम दोनों के बीच अगर कभी झगड़ा भी हुआ तो हमारे बीच में ही रहेगा, लेकिन रहेंगे हम एक घर में ही। ये सब करने के लिए हम शादी कर लेते ना। लिविन में रहने की क्या जरूरत है? ठीक है, मानो तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ। और तब पता चलता है कि मैं सबके साथ कैजुअली ऐसे ही रहती हूँ, तो फिर ये सब पता चलने के बाद भी तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे? हाँ। अच्छा, और शादी करने के बाद तुम ऐसे कैजुअल रहने वाली लड़की के साथ जिंदगी बिता पाओगे? इसीलिए पहले लिविन में रहेंगे, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना। अरे मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे तो है, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। हे, अब क्या हो गया तुम्हें? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जल्दी जवाब देना। सुनिए जी, ये देखिए, ये आपकी चाची है ना? हाँ, वो मेरी चाची हैं। हे श्री, देख तेरे दादाजी। ये देख, शादी की फोटो है ना। तुम पहले कितनी पतली थी। उस समय सब बोलते थे कि मैं बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखती हूँ। पापा हल्के लग रहे आपके सामने। सब लोग ऐसा ही बोलते थे। शादी के मंडप में ही मैंने तेरे पापा का चेहरा देखा था। फिर क्या करती मैं, करनी बड़ी शादी। श्री, ज्यादा जवान कौन दिखता है? अरे बोलना, सारे सफेद बाल दिख रहे हैं उधर। How do you do this spin, master? Very simple. इस flip के लिए at a time दोनों पैर ऊपर उठा लो। Pops, श्री क्लासेस के लिए नहीं आया? नहीं बेटा, कई दिनों से नहीं आया। बेटा, सब ठीक है ना? हाँ पॉप्स। ओके। लिविंग क्या छोटे, वो ऐसा है। क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? इतने कुछ तो बोल यार। शुरू से वो लड़की बहुत सोच रही है, ये मेरी टेलरिंग मशीन की तरह है, ये बस चलता ही रहेगा छोटे। श्री सर, मेरी बात को गलत मत समझना, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अरे प्लीज यार, इतने। ए, 57 गलत भी नहीं बोला जा रहा है, 58 और सही भी नहीं बोल सकता मैं। ये यो। सारी दुनिया आपको बुरा भला कहेगी, ये जरूरी है क्या? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं। फर्स्ट टाइम मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं मना कर दूंगी। ये सब मेरे कॉलेज में चलता है। हाय हाय। लिफ्ट से धक्का दे रहा है मुझे। हाँ। सतीश, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, तू आ रहा है क्या साथ में? तू किधर भी जा, मुझे मतलब नहीं है।
फोन कर रही हूँ तो उठा नहीं रहे हो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इतनी हिम्मत है तुम्हें? जो करना था वो कर लिया, अब छोड़ने की सोच रहे हो? हम दोनों के जो साथ में फोटोज है ना, वो सब लीक कर दूंगी। हे, ऐसा कुछ नहीं है सिंधु, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज था। प्लीज श्री, मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाती हूँ। आई मिस यू। हमारा लास्ट ट्रिप कितना अच्छा था, तुम हर पल मेरे साथ थे, कितना अच्छा लग रहा था, तो इतना सोचना क्यों? ठीक है, ओके, प्लान करते हैं वापस। सर, हो गया क्या? आ गई लेट, बैठ जा। ये तंगराज अंकल है हा? और यही मेरे लिए सब कुछ है। ए, क्या छोटे, शर्मिंदा मत करूं जे। हाँ, तू बोल, तू बोल। असल में बात यह है कि हा? मेरे घर में लिव इन का मतलब किसी को नहीं पता है। पता चलेगा ना तो जूते से मारेंगे तुम्हें। सही कहा, थैंक्स। बट तुम्हें लिव इन पसंद है और मुझे तुम पसंद हो, सो लेट मी एक्सप्लेन द प्लान। यू गाइस रेडी? जो जो गुड। लिसन, ये रहा मेरा घर, एग्जैक्टली दो गली छोड़कर एक घर खाली है, मैं यहाँ रहने की सोच रहा हूँ और ये घर अरेंज करने की जिम्मेदारी तेरी है सतीश। जो जो हाँ, डेली ऑफिस से छूटने के बाद तुम्हें अपने घर छोड़कर मैं अपनी शक्ल दिखाने अपने घर जाऊंगा, उसके बाद मैं तंगराज अंकल को कॉल करके अपनी माँ के सामने लाउड स्पीकर, थैंक्स अंकल, लाउड स्पीकर पे बोलूंगा कि तंगराज अंकल मुझे टेलरिंग सिखा रहे हैं। हाँ, एक मिनट, ये लाउड स्पीकर का मेरा प्लान है। हाँ, तू बोल बोल। सो ये रीजन बताकर मैं अपने घर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा, उसके बाद मैं वहां जाके डिनर करूंगा, फिर सबके सोने के बाद हाँ पीछे के रास्ते से तुम्हारे पास आऊंगा, फिर सुबह होने से पहले वहां चला जाऊंगा। सो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मेरे घर पर भी किसी को शक नहीं होगा। सिंपली बोलू तो कुत्ते की जिंदगी है। एग्जैक्टली ब्रो, आई नो ब्रो। सो गाइस, प्लान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो पॉसिबल है। LHS is equal to RHS. Okay, Jojo. हाँ, एक मिनट रुक जा। ए, क्या ये Jojo Jojo? Jojo, हाँ? देख रहा है यार? हाँ, तू बोल छोटे। हाँ, सिंधु, तुम्हें प्लान समझ में आ गया ना? ओके। यानी प्लान सक्सेस। Jojo, हे। स्टार्ट कर। सिंधु आओ ना, तुम शुरू करो। ए, खुद ही कर लेता हूँ। शुरू करो इसको ना। तंगराज भाई, आप ही कीजिए ना। हाँ, मैं कैसे? आओ अंकल, आओ ना। आओ यार, अरे वहाँ क्या खड़े हो, आओ ना। हाँ, आओ, इतना भाव खा गया। मैं सॉरी बोल दूँ क्या उसे छोटे? सॉरी क्यों, क्या हुआ? उस दिन मैंने बहुत गंदी गाली। अरे आप चुप रहो, उसको सब पता ना। ओके, क्या क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी लड़की है छोटे, मैं ही गलत समझ बैठा। थैंक यू, बाय 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 बाय, सी यू ऑल, बाय बाय। क्या हुआ वो सतीश बिना बताए चले गए, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, मुझे भी नहीं पता। हैव फन, हैव फन, बाय। लिव इन लाइफ स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। ओके मास्टर, सी यू, बाय बाय। ओके, मेरी फैमिली भी आई होती तो अच्छा होता ना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस बिल्डिंग में लिफ्ट होती तो अच्छा होता ना।
अपने ऑफिस की तरह यहाँ एक लिफ्ट होती तो कितना अच्छा होता ना। और वो बार बार रुक जाती तो कितना अच्छा होता। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। अब से तुम अपने घर पर जरा कम खाया करो। सुपर गाइस, टॉयलेट में प्लंबिंग वर्क चल रहा है, कोई भी अंदर मत जाना। अंकल, लाउड स्पीकर ऑन किया है क्या छोटे? अब हाँ, उन्हें बोलिए। अब आज से तू टेलरिंग क्लास आने वाला था ना, टाइमिंग बहुत जरूरी है, जल्दी आ जा। आ रहा हूँ, गुस्सा मत कीजिए। हाँ, जल्दी आ। कौन सी क्लास? अपने तंगराज अंकल है ना माँ, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ तो सोचा उनसे टेलरिंग सीख लूँ, इसलिए मुझे रोज जाना होगा। बाय माँ। ए, उसे मैंने सिखाया है और ये पागल उसके पास सीखने जा रहा है। श्री, तुम्हारा ड्रीम क्या है? आज कुछ भी नहीं आया। लाइफ में क्या ड्रीम है? मेरा लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है। ठीक है, कैरी ऑन। अच्छा, तुम्हारा क्या ड्रीम है? मुझे ना एक रेस्टोरेंट खोलना है एले में। क्या रेस्टोरेंट क्यों खोलना है? आई लव कुकिंग। और रेस्टोरेंट का बिजनेस कितना बड़ा होता है ना, एले में एक रेस्टोरेंट और वहीं पर एक घर, इट्स माय ड्रीम। उसी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। रेस्टोरेंट का नाम क्या रखूंगी? बहुत दिनों से नाम सोच रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। SS रेस्टोरेंट मतलब? श्री सिंधु कैसा है? परफेक्ट। तुम्हारा सच में कोई ड्रीम नहीं है ना? माँ बाप का ठीक से ख्याल रखना, बस इतना ही। ये ड्रीम नहीं है, कर्तव्य है। हाँ, जो भी हो। लेकिन सिंधु, ये एले क्या है? लॉस एंजेलिस। ये है। सिंधु, कितना टाइम जाएगा? आज लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। नहीं, तुम जाओ खाना बनाकर रखना, बहुत भूख लग रही है। मैं कैब से आ जाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय। प्लांट्स में पानी नहीं डाला क्या?
नहीं बनाया? नहीं, वो मैं कुछ काम से बाहर चला गया था। तुम रुको, मैं अभी बना देता हूँ। मैंने तुम्हें बोलकर भेजा था ना, भूख लग रही है, उसका क्या करूँ? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? चलो बाहर जाकर खाते हैं ना। I'm tired. तुम्हें खाना बना कर रखना चाहिए था। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे वेट करता हूँ, ओके? ए, वहाँ रुको। नहीं वहाँ नहीं, पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ जाकर खाते हैं। उसको छोड़ो, तुम यहाँ रुको ना। रिलैक्स पापा, पास में ही है। क्या हुआ? जरा उतरना। क्या हुआ? लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गया। पहले ही कहा था कि पास में चलते हैं, तुम्ही को यहाँ आना था ना। बाइक में पेट्रोल है या नहीं ये भी नहीं देखते? बच्चे हो क्या तुम? चिल्लाओ मत। बाइक तुम चलाते हो या मैं? हम रास्ते अब हम कैसे जाएंगे बताओ? हाँ, पहले ही डिनर बना लिया होता तो ये सब परेशानी नहीं होती ना। क्यों ऐसा करते हो तुम? कितने इरिटेटिंग हो गए हो तुम। क्यों आजकल मुझे ऐसे परेशान करते हो? तुम्हारा क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आता। तुम्हारा जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था मैंने पता लगाया, और मुझे मालूम पड़ा कि वह हॉस्पिटल 10 साल पहले ही बंद हो चुका है। एक हफ्ते मैंने बहुत ढूंढा, और उस हॉस्पिटल के ओनर से मिलने के बाद मैंने पता लगाया कि तुम्हारी माँ की डिलीवरी किस डॉक्टर ने की थी सिंधु, और उस डॉक्टर का नाम जय चित्रा है। हॉस्पिटल के सारे डॉक्यूमेंट्स हैदराबाद में हैं। 10 दिन दिन रात मेहनत करके उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए मुझे तुम्हारे बारे में एक बहुत ही खास बात मालूम पड़ी है। कि अभी अगले 4 सेकंड में 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे सिंधु। यही एग्जैक्ट टाइम पे इसी जगह पर तुम्हारा जन्म हुआ था। कितना प्यार तुम मुझे कर रहा है, क्यों मुझे लग रहा है डर मुझे। तुम्हारा बर्थडे सिर्फ तुम्हारी माँ को पता है, लेकिन वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा कहा था ना तुमने, लेकिन अब मुझे भी पता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? टाइम हो रहा है, चलना। ए सुधा, उन लोग का फोन आ गया है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे टाइम हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। हेलो बेबी, मैं दोपहर में ऑफिस आऊंगा, तुम अभी निकल जाओ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मैं पास में ही कहीं जा रहा हूँ तो। पास में मतलब? ठीक है बताता हूँ, लेकिन गुस्सा मत करना। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। माँ ने सुबह अचानक बताया और कह रही थी कि मैंने उन्हें जबान दे दी, और इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, जल्दी जाकर आ जा, बाय। हाँ? हे, फोन क्यों कट किया तुमने? तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या? तुम वहां जाकर भी तो ना ही करने वाले हो ना। अगर पसंद आई तो हाँ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, बोल देना, बाय। बाय। उस लड़की में क्या कमी थी जो तुझे पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई तो नहीं आई बस। ए, उस लड़की को ढूंढने में तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है पता है? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपने बोला इसलिए मैं वहाँ गया। ए, तू अपने आप को क्या समझ रहा है? सुनिए जी, अगर उसको पसंद नहीं आई तो जाने दीजिए उसे। Thank you.
ये क्या, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि लड़की ने मना कर दिया। दोस्त सुनने में आया, आई एम हैप्पी, मेरा इनविटेशन मत भूलना। कांग्रेचुलेशन, शादी कब है? हाँ सब पता चल जाएगा। क्या प्लीज तुम चुप रहोगी? इट्स नॉट फनी सिंधुजा, मेरी माँ कितनी तकलीफ सह रही है तुम्हें पता नहीं है, सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? हाँ छोड़ो प्लीज। नहीं बोलो श्री, क्या किया है मैंने? मुझसे शादी क्यों नहीं करती तुम? सिंधु रुक जाओ, तुम्हें मेरे बारे में और क्या जानना है? सब कुछ तो जानती हो मेरे बारे में। जस्ट लीव इट, ये ऑफिस है। आखिर शादी करने से तुम्हें परेशानी क्या है? तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप को धोखा देकर तुम्हारे साथ हूँ। एक बार और कहा कि मेरी वजह से सब हो रहा है तो थप्पड़ मारूंगी। क्या है, मेरे साथ रहने से मुझसे नफरत हो गई है? ऐसे बोलते जैसे वो सब मेरे फायदे के लिए किया, सब तुम्हें भी तो पसंद था ना? मुझे पसंद है इसलिए तो गिड़गिड़ा रहा हूँ। प्लीज तुम उसका फायदा मत उठाओ। विल यू मैरी मी और नॉट? आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही। इस वक्त मेरा ड्रीम ही मेरे दिमाग में है। आज तुम्हारी माँ कह रही है तो तुम शादी करना चाहते हो, कल वो कहेंगे पोता पोती के साथ खेलना है तो बच्चे पैदा करोगे। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। इस तरह बच्चे पैदा करके तकलीफ उठाने से अच्छा है कि बच्चे हो ही ना। हमारा तो अपना खुद का घर भी नहीं है, जब हम किसी चीज के लिए रेडी ही नहीं है तो वो चीज करनी ही क्यों? और तो और, बच्चा हो गया तो उसे पालने पोसने में ही हमारी सारी जिंदगी चली जाएगी, फिर मेरे ड्रीम का क्या? क्या मैं अपने लिए नहीं जीऊं? ये क्या सिंधु, कितनी सेल्फिश बातें कर रही हो, मेरी लाइफ के बारे में भी जरा सोचो। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, पर अपनी माँ के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे मेरी लाइफ कैसे जीनी मुझे पता है, अपनी सलाह अपने पास ही रखो प्लीज। बढ़िया ही सलाह देने वाली। You're not getting it, श्री। मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही हूँ, हमें इसका सलूशन ढूंढना होगा। मैं पापा को बताकर तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, तो मैं भी अपनी माँ को समझाना होगा। तुम्हारे पापा की तरह मेरे माँ बाप इतने आजाद ख्याल के नहीं है सिंधु। हेलो आंटी, मैं सतीश बात कर रहा हूँ, श्री नहीं है क्या? नहीं आज ऑफिस नहीं आया वो इसलिए। ओके आंटी, ओके। तुम लोगों में झगड़ा चल रहा है क्या? कल पूरी रात वो बारिश में भीगा है और अभी बीमार है। सुनिए हाँ, श्री को भाप लेनी है, पानी गर्म कर दीजिए। आओगे? मुझसे दूर हटो, मुझे बुखार है। कुछ नहीं होगा, सोने दो ना। तुम अंदर कैसे है? मेरी माँ कहाँ है? सिंधु प्लीज जाओ यहाँ से। कल मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। मुझे भी वो सब नहीं बोलना चाहिए था। ए बेटा दरवाजा खोलो। इनके माँ बाप को देखो कैसे इन्हें छोड़ दिया है। ये इनकी लाइफ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लाइफ में क्या होता है ये हमारे हाथ में है, बच्चों की क्या गलती है? तो तुम्हारे हिसाब से उन लोगों को बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहिए था? मैं उन लोगों को नहीं, सबको ये कह रही हूँ, जो बच्चों को संभाल नहीं सकते उन्हें बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए। समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे बच्चे से रोड पे नहीं घूमेंगे, वो हमारे साथ कार में घूमेंगे। कार मेरे पापा की है।
कार खरीदने के बाद बताता हूँ। अभी तुम्हारी परेशानी क्या है, शादी या फिर बच्चे? अगर ये हो गया तो वो भी होगा। हम बच्चे नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ ना। तुम मान जाओगे, तुम्हारे माँ बाप का क्या? ए, क्या हुआ तुझे? वो बहुत अलग तरीके से सोचती है। वो जो बोल रही है वो सही है, मगर मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो हम दोनों की सोच बहुत ही अलग है, कैसे साथ जिएंगे? ऐसा क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच? प्रॉब्लम कुछ नहीं अंकल, वो शादी नहीं करना चाहती है और मुझे शादी करनी है। अगर हम दोनों के बीच छोटा सा भी झगड़ा होता है ना, तो मैं उसे बहुत इग्नोर करता हूँ, लेकिन वही मुझे आके कन्विंस करती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है अंकल। पता नहीं हमारा रिश्ता चलेगा भी या नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तू ना एक दिन सिंधु को मेरे घर पे लेकर आ, मैं उससे बात करता हूँ। तू अभी इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है? जो भी होगा अच्छा ही होगा, टेंशन मत ले। शांति दीदी, लंच में क्या लाई हो? ये आयुर्वेदिक सालन है। वो क्या होता है? सूखा अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, इन तीनों को मिलाकर इसे बनाया है मैंने। अगर हफ्ते में एक दिन भी इसे खाओगी ना, तो कोई बीमारी नहीं होगी। क्या शांति दीदी एकदम डॉक्टर की तरह बात कर रही हो? मैं बगैर पढ़ी लिखी नर्स हूँ मैडम। तो फिर नर्स की पढ़ाई करनी चाहिए थी ना? बचपन से मेरी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन छोटी उम्र में ही मेरी शादी कर दी, फिर मैं नर्स कैसे बन पाती? बाल बच्चे परिवार, इन्हीं में जिंदगी निकल गई। वेट 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 वेट, तुम ऐसे मुझे मत देखो। आप अभी तो खुश है ना, बताइए। मुझे क्या कमी है सर, एक बेटी थी उसकी शादी हो गई, अब मैं बहुत खुश हूँ। पर अगर आप नर्स बन जाती तो शायद ज्यादा खुश होती। ये बात तो सच है, चाहे जितने भी साल गुजर जाएं, लेकिन इंसान के अंदर जो ख्वाहिश होती है वो पूरी ना हो तो बहुत दुख होता है। आपका घर आपने बहुत अच्छे से रखा है। मेरा घर आपको अच्छा लगा? ये सब इसने किया है। ए छोटू, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कन्ना कार्तिक। हाँ? कार्तिक कनन। ओह बहुत अच्छा, स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है, आज सिर्फ मेरे स्कूल की छुट्टी थी। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, फीस नहीं भरी है इसीलिए ऐसा झूठ बोल रहा है। आजकल स्कूल की फीस भरने के लिए लगता है अलग से काम करना पड़ेगा। इनसे मैंने कितनी बार कहा मैं काम पे जाती हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। तो काम पर जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। ठीक है, वो सब छोड़िए, मैंने एक जरूरी बात करने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। तंगराज अंकल, आपने कल का फुटबॉल मैच देखा क्या? नहीं देखा, क्या हुआ? अरे बहुत अच्छा मैच था, फर्स्ट हाफ तक एक भी गोल नहीं हुआ और सेकंड हाफ तक पूरा मैच बदल गया। क्या? अरे वाह, मेसी का गोल देखना चाहिए था, क्या जबरदस्त गोल मारा उसने, मजा आ गया। मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो, मैं नहीं बदलूंगी। गुड नाइट। आज पापा का डांस प्रोग्राम है, 5 बजे आ जाना, साथ में चलेंगे। आज है क्या? तुम भूल गए क्या? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा। कोई गड़बड़ मत करना, बाय। अच्छा ये बैंक, एक्सक्यूज मी। या डॉक्टर कब तक आएंगे? सॉरी सर, आज थोड़ा लेट होगा, मैडम 5 बजे तक आ जाएंगे।
क्या हो गया है आपको? आपका बीपी इतना लो हो गया है। दवाइयाँ तो टाइम पे लेती है डॉक्टर। उससे सिर्फ 25% काम होता है, बाकी काम अपने हाथ में है ना। डिप्रेशन होगा तो बीपी कम होगा। घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, शायद मैं ही टाइम पर नहीं सो पाती। अपना ख्याल खुद रखिए, बच्चे लोग तो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। बीपी कम होने की वजह से स्ट्रोक होने के भी चांसेस हैं। इतना केयरलेस मत होइए, पहले अपने शरीर को देखिए, बाकी कुछ मत सोचिए। क्या हुआ माँ? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मेरे जीते जी तुम्हारी शादी करवा दूं, यही मेरी इच्छा है। अगर मैं अच्छे से पूरी नींद ले लूंगी ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी बेटा। तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर। माँ तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ बेटा। तुम्हारा फर्स्ट शो है ना? या। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? नर्वस। ओह हे सिंधु, श्री अब तक नहीं आया? यस पॉप्स वो आ जाएगा, यू कैरी ऑन। क्या बेटा आज भी लेट? तुम चलो। जी सर। गिव योर बेस्ट। ओके श्योर सर। कम ऑन मूव फास्ट। थैंक यू सर। ये लो माँ। आप सो जाओ ना माँ। हेलो कहाँ हो तुम? वो मैं अभी माँ को हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ बस। तुम साफ साफ बताओ श्री, आ रहे हो या नहीं? हेलो आ रहा हूँ, वेट करो। ओके अच्छे कपड़े पहन कर आना। हाँ बाय। टाइम पर नहीं आ सकते थे, पापा बैकस्टेज गए हैं, शो शुरू होने वाला है। हम शादी कर लेते हैं। जितना जल्दी हो सके। अभी नहीं श्री प्लीज। ड्रीम अचीव करने के लिए 6 महीने या फिर 1 साल। मेरी माँ बहुत बीमार है। क्या हुआ? तुम मेरे लिए अपने आप को नहीं बदलोगे ना? माँ को क्या हुआ ये पूछ रही हूँ। उनको कुछ भी हो जाए आखिर तुम्हें उनकी क्या परवाह है? मान लो अगर मेरी माँ आईसीयू में एडमिट हो गई है, तभी तो मुझसे शादी नहीं करोगी सिंधु। अगर माँ आईसीयू में होंगी तो वहां रहकर उनकी देखभाल करूंगी, उसके लिए तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये क्यों? इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हो ना श्री? तुम क्या समझाना चाहती हो? इस दुनिया में लोगों ने शादी करके बच्चे पैदा करके अपना ड्रीम अचीव नहीं किया क्या? तुम बहुत गुस्से में हो, तुमने मुझसे आई हेट यू कहा है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की हूँ, बच्चा हो गया तो फिर मैं ड्रीम छोड़कर उसके लिए जीऊंगी। मुझसे बढ़कर है क्या? हाँ मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जरूरी है ना। तुम दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैं माँ को ही चुनूंगा। तुम्हारे और अपने ड्रीम के बीच किसी को चुनना हो तो मैं अपने ड्रीम को चुनूंगी।
आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम अपने मन को नहीं बदलोगी ना? कल चेन्नई छोड़कर जा रही हूँ श्री, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगी, इसलिए आखिरी बार मिलने आई हूँ। कैसी हो सिंधुजा? आई लव यू। इट्स ओवर, बहुत लेट हो गया है। जानती हूँ, पर दिल ने कहा कि एक बार बोल दूँ। टेक केयर सिंधुजा। राज किधर गया? सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। ए इवने, इसे पकड़ो। मैं ही लेकर जाता हूँ। ये तंग राज कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बेटा मेरा रुमाल दे दे, मुझे चाहिए। दे दे मेरा रुमाल प्लीज बेटा। बेटा तुम श्री को लेके सीरियस हो ना? नहीं, तुम यहां सब कुछ छोड़कर एयरपोर्ट जा रही हो, इसलिए पूछ रहा हूं। मुझसे बहुत प्यार करती थी तुम्हारी मां, लेकिन मैं अपना करियर, अपनी पसंद और मेरी ख्वाहिश है बस अपने बारे में सोचता रहा। पता ही नहीं चला उसकी तबीयत कब खराब हुई, और एक दिन वो, उसे मालूम था इस बारे में मुझे पता चल गया तो मेरा करियर दांव पे लग जाता। छोटी छोटी बातों के लिए वो मुझ पर जितना प्यार जताती थी, उसमें से अगर शायद मैं थोड़ा भी कर पाता। अनकंडीशनल लव बेटा, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना प्यार में। मैं रिश्ता निभा नहीं पाया, इसका अफसोस है मुझे। मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन फिर भी उस भगवान के सामने रोज हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी जिंदगी में वो वापस आ जाए। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसे बहुत खुश रखूंगा। बेटा मैं जो कह रहा हूं उसे समझो, श्री को इतनी आसानी से मत जाने दो। जो मैंने गलतियां की है उसे अब तुम मत दोहराना। मैंने तुम्हें आजादी से जीना जरूर सिखाया है, लेकिन डर है वही तुम्हारे लिए पीढ़ियां ना बन जाए। जैसे मैंने तुम्हारी मां को खोया, तुम अपने श्री को मत खोना। तो अब क्या करूं पापा?
इट्स डन, बस सिजलिंग एक बार चेक कर लो। मैम मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ विजय, वो यस मैम, पेंडिंग ऑडिटिंग का क्या हुआ? ऑलमोस्ट डन मैम, नेक्स्ट वीक हम लोग सबमिट कर देंगे। अपने रेस्टोरेंट के ऐड के लिए यंगस्टर्स ने अप्रोच किया था ना, प्रोजेक्ट उन्हें ही दे दो। श्योर मैम। मेक श्योर इट्स क्लासिक। श्योर। ओके बाय। बाय मैम। पॉप्स अब चले? हाँ। हेलो सतीश, कैसे हो तुम? इतने दिन कहाँ थे? ओह ओके। कौन था? सतीश था पापा, श्री का डिवोर्स हो गया है। तुम फिकर मत करो, ही विल बी ऑलराइट। चलो बेटा। या पॉप्स। बोलिए सर। ये बात आपको पता है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। आपका बेटा और मेरी बेटी 3 साल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। जिस दिन आपके बेटे की शादी हुई, उस दिन से मेरी बेटी उसे भुला नहीं पाई है। इस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं, आप गलत मत समझना, मेरी बेटी को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। गलती मेरी बेटी की ही है, उसको शादी के लिए हाँ बोलना चाहिए था। बिन मां की बच्ची है, इसलिए मैंने उसे जीने की आजादी दी। सॉरी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अच्छा दिन और मुहूर्त देखकर शादी करके क्या फायदा? उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने बेटे के चेहरे पर खुशी नहीं देखी। अब तलाक हो गया है उसका, आपको बताने में कैसी शर्म सर। उसने छोटी सी बात पर झगड़ा करके अपना अबॉर्शन करवा लिया था। मैंने अपने बेटे की शादी करवा कर उसकी उसकी जिंदगी खराब कर दी, ये सोचकर रोज मरती हूँ सर। शादी तो एक शब्द है ना सर, जब दो लोगों का मन जुड़ जाए तो उसे ही शादी कहते हैं। अगर मैंने पहले सोचा होता तो ये सब ना होता। जैसे आपकी बेटी आपसे बोल रही है ना, वैसे ही उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी जरूरी है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। देखिए ना, 3 दिनों से वो घर से गायब है। कितने दिन बोला आपने? 3 दिन से गायब है। मेरी बेटी भी तो 3 दिन से गायब है। तुम्हारी कीमत उस लड़की को सच में नहीं पता थी। I love you. Okay. बेबी, बोलो। हम इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं क्या? शादी? क्या कहा? शादी बोला क्या? सिंधुजा तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो सिंधुजा। शादी तो बिल्कुल मत करना। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुमने तो एक बार शादी कर ली ना, अब मुझे भी तो एक बार करनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती होगी। मम्मी, तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं?